हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मंजू भवानी, आई वेलकम यू इन बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस वीडियो इट्स अस अबाउट योर पोएम द नेम इज रबी बेन इज़रा कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग हु इज बोर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1889। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा रबी बेन इज़रा, जो क्या थे, एक 12th century के एक स्कॉलर थे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पोइट के बारे में, पोइम के बारे में, और हमने इसके जो स्टार्टिंग के दो स्टैंजा हैं उनकी भी वीडियो डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। आज की जो हमारा ये वीडियो है ये थर्ड स्टैंजा है इस पोएम का। जो रबी बेन इज़रा थे वो क्या थे, 12वीं सदी के एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, जिन्होंने इस पोएम के थ्रू अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनके जो थिंकिंग है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस किया है हमारे लिए। और ये जो पोएम है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एज यू नो व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टर्म इन विच अ पोएम इज एक्सप्रेसेस अ थॉट एंड अदर मैन एस्केप द पोएट, मतलब कि पोइट को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली जो पोइम्स होती हैं उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोइम है वो पोइट के थॉट्स न होकर किसके थॉट्स हैं, रबी बेन इज़रा के। रबी का मीन्स हमने देखा था एक डॉक्टर होता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, मतलब कि एक हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट मैन, ठीक है। और इज़रा का मैन, बैन का मीन्स क्या होता है, बेटा, और इज़रा मतलब कि जो रबी था वो किसका, इज़रा का बेटा था, और जो क्या था, स्कॉलर था, बहुत ही बड़ा विद्वान था। और इस पोएम में वो हमें स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें जो पोइट था वो क्या कहता है, हमें ओल्ड होने के लिए कहता है। ये जो मेन पोएम है वो किसके ऊपर डिफाइन की हुई है, मतलब किसके ऊपर हमें क्या डिफाइन करती है, ये पोएम हमें ओल्ड एज और यंग एज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बताती है। जो रबी है वो क्या मानती हैं, जो बेन इज़रा हैं, रबी बेन इज़रा हैं, वो मानते थे कि जो यूथ है और जो ओल्ड एज है, दोनों की दोनों जो एजेस हैं उनको भगवान ने डिज़ाइन किया है, भगवान ने बनाया है। और यूथ है वो किसके लिए बनी हुई है, ओल्ड एज के लिए बनी हुई है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैन इज़ यंग एज, जैसा कि हमें पता है जो मैन की, जो मनुष्य की जो पहली उम्र होती है वो क्या होती है, जवानी होती है। उसे किसके लिए बनाया हुआ है, सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट मीन्स जो ओल्ड एज है, मतलब कि हम कह सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होती है, प्रिपरेशन पीरियड होता है, मतलब कि तैयारी के लिए दिया हुआ टाइम है ओल्ड एज की तैयारी के लिए। और यहाँ पर जो ओल्ड एज है उसको फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस बताया है, या एज ऑफ एक्सपीरियंसेस बताया हुआ है, मतलब कि अनुभवों की उम्र, मतलब कि अनुभवों का जो वो है, आयु है हमारी, वो मतलब कि उम्र है हमारी, वो कौन सी होती है, बुढ़ापा होती है। जो हमने जवानी में हमने जो काम किए होते हैं, मतलब कि हमारी जो युवावस्था है उसमें हमने जो भी काम किए होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनका सबका रिग्रेट, सबका जो हमने पश्चाताप या हमने ओवर थिंकिंग करनी होती है, वो कम टाइम हमें कब मिलता है, ओल्ड एज में मिलता है। और बेन इज़रा कहती हैं कि यूथ में, मतलब कि यंग एज में हमें ओल्ड एज को लेकर हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर जो हमने स्टैंजा हम रीड करने जा रहे हैं उसमें क्या बताया है कि जो यंग एज है, यंग एज में होने वाली फियर्स और होप्स, मतलब कि डर और जो आशाएं हैं, क्या वे गलत हैं, क्या वे टाइम को मतलब कि बेकार करने वाली हैं, वेस्ट ऑफ टाइम्स हैं। और जो बेन इज़रा है वो मानते हैं कि वो होप्स और जो टाइम्स हैं, मतलब कि होप्स और डर हैं, वो मनुष्य को क्या है, अन्य जीवों से, जो लो काइंड के जो जीव हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, जो क्या है, चाहकर भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब कि वो चाहकर भी, पहली बात तो उनके अंदर डिज़ायर है ही नहीं, चाहते हैं ही नहीं, लेकिन चाहते हैं भी सही तो उनको वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो बेन इज़रा है वो क्या बताते हैं, जो फीलिंग्स हैं, मतलब कि जो डिज़ायर्स हैं, वही क्या है, मनुष्य को अन्य जो क्रिएचर्स हैं दुनिया के, जो अन्य क्रिएचर्स हैं लाइफ इसके वर्ल्ड के, उनसे वो उन्हें क्या बनाती है, हायर क्लास बनाती है, उन्हें ऊपर उठाती है। तो हम आज के जो स्टैंजा में यही रीड करेंगे कि किस तरीके से जो मनुष्य है वो अन्य जो जातियां हैं उससे कैसे उच्च है, उससे कैसे बड़े हैं। तो यहाँ पर जो डर
और जो होप्स हैं, जो डर और आशाएं जो मनुष्य के जीवन में आती हैं जब वो यंग होता है, तब वो क्या है डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा, तो उसे सेकंड जैसा भी हमने स्टैंजा रीड किया था उसमें कहता है कि कौन सा डेड तो वो लिए अपने लिए ले और कौन सी लिली है उसको छोड़े, मतलब कि कौन सा फ्लावर, जो फ्लावर है वो किसको डिस्कस कर रहा था, वो एक्सप्रेस कर रहा था हैप्पीनेस में, द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ के, मतलब कि जो यंग एज के जो लोग होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो क्या होती हैं कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, वो अपनी खुशियाँ चुनने में कंफ्यूज हो जाता है कि उन्हें वो कौन सा रास्ता तो लेना चाहिए और कौन सा रास्ता छोड़ना चाहिए और बाद में जिसके लिए उन्हें पछताना ना पड़े। लेकिन जो ओल्ड एज है वो क्या है ऐसी कोई सिचुएशन वाले नहीं है, क्योंकि वह क्या है एक्सपीरियंस, सारे के सारे जो अनुभव हैं वो पहले ही ले चुके होते हैं। तो इस तरीके से जो यूथ एज है वो क्या है प्रिपरेशन पीरियड है ओल्ड एज का। तो हमने जैसे देखा कि पोएम ये है हमारा थर्ड स्टेज है, इसमें क्या बताएगा जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो हमें किस तरीके से अन्य क्रिएचर्स से, जो अन्य अदर क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, हमें उनसे कैसे डिफरेंट बनाती है, कैसे हमें उनसे डिफर करती है अदर क्रिएचर से। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड स्टेज ऑफ योर पोएम, दैट इज नोन फॉर सच होप्स एंड फियर्स annulling youth brief years, do I demonstrate folly wide the mark, rather I prize the doubt, low going exit without, finished and finite, close, untroubled by the spark। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं नोट फॉर सच होप्स एंड फियर्स, कि सिर्फ उन डर से ही नहीं, डर और आशाओं के कारण तुम अपना क्या है टाइम वेस्ट मत करो। ये होप्स एंड फियर मतलब कि डर जो आशाएं, डर और आशाएं किस तरीके की डर, कि अगर हमने कुछ गलत चुन लिया यूथ में तो हमें क्या है उसे भुगतना पड़ेगा आगे वाले टाइम में, और फियर्स हमें डर है और आशाएं मतलब हम बहुत ज़्यादा डिजायर भी रखते हैं। तो जो पॉइंट है जो रीजन है वो क्या कहते हैं कि इन डर और जो आशाओं के कारण हमें क्या है अपना जो ईयर है वो क्या है एन्युलिंग युथ, मतलब एन्युलिंग का मतलब क्या होता है खत्म करना या हम कह सकते हैं वेस्ट करना, जो हमने क्या कर दिया है थोड़े से जो साल है ब्रीफ ईयर जो हमें यूथ मिली है, थोड़े से टाइम के लिए हमें जो जवानी मिली है, जो युवा अवस्था मिली है, उसे हम डर और आशाओं में खत्म ना करें, मतलब कि डर और आशाओं में जो हमने डिजायर्स हमारी जो चाहते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको खो देने के डर से, या हमने कुछ गलत डिसीजन किए हैं उनके डर से, हमने जो कुछ भी साल जो साल अपने उम्र हमने गवाई है वो क्या है हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब कि उन सालों के कारण हम क्या करें अपने यूथ को एन्युलिंग ना करें, उनका कोई दोष नहीं है, मतलब कि हमारी लाइफ में जो हमने होप्स और जो फियर्स हैं उनका कोई दोष नहीं है। उन्हें क्या है बेन इज़रा उन होप्स और फियर्स को क्या मानता है, उन्हें अच्छा मानता है, अच्छा मानता है। डू आई डिमोनस्ट्रेट डिमोनस्ट्रेट का मतलब या तो हम कह सकते हैं बुराई करना, डिमोनस्ट्रेट का मीन्स क्या होता है जैसे वो कहता है कि क्या मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, क्या उसे मैं बुरा बोल रहा हूँ, किन्हें होप्स और फियर्स को जिसके कारण यूथ जो यंग मैन है वो क्या है अपने कुछ साल जो क्या है बर्बाद कर देते हैं, क्या मैं उन्हें डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ फोली वाइड द मार्क, जो क्या छोड़ देते हैं हमारी मूर्खता होती है, क्या मूर्खता होती है कि हम क्या है डर रहते हैं हम आशाओं से भरे रहते हैं, वो क्या है हमारे लिए एक मूर्खता का मार्ग है। Rather I prize, इसके अलावा यद्यपि मैं प्राइज करता हूँ द डाउट्स, मतलब कि हमारे अंदर क्या है कुछ डाउट रहते हैं, हमें कुछ प्रश्न रहते हैं, प्रश्न किस तरीके के प्रश्न के लिए चीज ऐसी क्यों है, और हमें पता है कि जो मनुष्य है उसकी क्या प्रवृत्ति है, मतलब कि जो वूमेन होता है वूमन बींग है वो क्या है अनसेटिस्फाइड बींग है, मतलब कि उसे कुछ भी मिल जाता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उसी अनसेटिस्फाइड अनसेटिस्फिकेशन को जो
लीजा है वो क्या मानती है, प्राइज देती है, मतलब कि यहाँ पे डाउट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी चाहता जो हमारी डिजायर को खत्म न होने वाली जो डिजायर्स हैं या हमारे अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न है हमारे अंदर, उनको जो रवि बन लीजा है वो क्या करती है, प्राइज करते हैं, उनको प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? लो आइंस मतलब कि अदर क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, अदर क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब कि लो काइंड्स मतलब कि जो अदर क्रिएचर्स हैं वर्ल्ड के, जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एग्जिट विदाउट, वो इसके बिना है, किसके बिना है, डाउट्स के। मतलब कि वो क्या है, जो भी उन्हें मिल जाता है वो क्या है, उससे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, उसके मन में हमेशा डाउट रहता है। लो काइंड्स एग्जिट विदाउट, जिसके जो जो इस तरीके की प्रवृत्ति है वो लो काइंड्स, मतलब कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो क्या है, वो ऐसे इस तरीके से बनाए हुए हैं कि उन्हें जो भी मिलता है वो सिर्फ क्या है, उसी से ही खुश रह जाते हैं। जिस तरीके से हम एग्जांपल दे सकते हैं खाने को लेकर, जैसे कि अब आज के टाइम में क्या है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग है, वो खाने के लिए जीता है, ना कि जीने के लिए खाता है। भरपेट खाना, चटपटा खाना, नमकीन, मीठा, जो हमें पसंद है वो खाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमारा जन्म खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए हुआ हुआ है? नहीं। बैन इज़रा का मानना है कि हमारा जो जन्म है वो क्या है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हुआ है, मतलब कि हमारी जो चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या है, हमें अदर जो लो काइंड क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, हमें जानवरों, पक्षियों और जो कीट पतंगे हैं उनसे कुछ ज़्यादा एबिलिटीज़ देकर, उनसे कुछ ज़्यादा हमें क्या दी गई हैं, शक्तियाँ दी गई हैं, चाहे वो बोलने की है, चाहे चलने की है, चाहे काम करने की है, चाहे सोचने की है, हमें उनसे क्या बनाया हुआ है, हमें उनसे ज़्यादा मैच्योर बनाया हुआ है अदर काइंड्स ऑफ क्रिएचर से। इसीलिए हमें क्या है, अपनी जो पावर्स हमें भगवान ने दी हैं उसका यूज़ करना चाहिए, हमें डाउट्स रखने चाहिए। इसलिए वो क्या है, डाउट्स को क्या करती हैं, प्राइज देते हैं, उसको पुरस्कृत मतलब कि इनाम देना चाहते हैं, जो लो काइंड्स के पास नहीं है। फिनिश एंड फाइनाइट क्लोज एंड कवर बाय अ स्पार्क। फिनिश एंड फाइनाइट मतलब कि हमने खत्म किया है, वो फाइनाइट किया है, क्लोज मतलब कि टाइम को, एंड कवर बाय अ स्पार्क बिना किसी ट्रबल के, बाय अ स्पार्क मतलब कि स्पार्क क्या होती है, कह सकते हैं हम एक तरह से जिज्ञासा की आग। जिज्ञासा मतलब कि कुछ जानने की, कुछ पाने की, या कुछ कर दिखाने की, जो स्पार्क मतलब कि जो आग हमें, मतलब मनुष्य के अंदर क्या है, एक तरीके की आग कह सकते हैं, कि कुछ करना चाहता है वो, कुछ प्राप्त करना चाहता है, ऐसी जो आग है वो क्या है, लो काइंड्स के पास नहीं होती। मतलब कुछ करने की जो आग है, जो जिज्ञासा है, मतलब कि लो काइंड्स के अंदर क्या है, कुछ भी जानने, कुछ नया करने की किसी भी प्रकार की इच्छा, आशा, जिज्ञासा कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या है, इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण ही क्या है, उनसे उच्च बन पाया है। मतलब भगवान ने क्यों क्या है, मनुष्य को एक प्रश्न का, हम कह सकते हैं पुतला में स्टैचू बना दिया है, कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, या हमारे सामने अगर किसी तरीके का खाना आता है, जैसे कि आप सोचो आपके सामने कोई खाना आया, तो आप उससे पूछोगे कि यही खाना क्यों। लेकिन अगर हम देखेंगे अदर काइंड ऑफ क्रिएचर्स कि उनके सामने खाना डाल दो, वो चुपचाप खा लेंगे, ना तो वो टेस्ट की बात करेंगे, ना ही कंटेंट की बात करेंगे, कि किस तरीके से बना हुआ है, कितना है, क्यों दिया है, कोई क्वेश्चन उनके अंदर, कोई डाउट्स नहीं होगा। जबकि जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, डाउट से भरा हुआ है। द ह्यूमन बींग इज फुल ऑफ डाउट्स, मतलब कि उसके अंदर क्या है, प्रश्नों से भरा हुआ भंडार, हम कह सकते हैं प्रश्नों का भंडार है। और जो लो काइंड्स है वो क्या है, इसी स्पार्क, बिना स्पार्क के ही क्या है, अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं। उनके अंदर क्या है, जिज्ञासा, किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, और इन्हीं जिज्ञासाओं से मनुष्य क्या है, उच्च बन पाया है। तो यहाँ मेन हम कह सकते हैं, जो ये
स्टैंजा है वो क्या बताता है, जो हमारे अंदर, जो मनुष्य के अंदर भगवान ने जो प्रश्न पूछने की या कुछ नया करने की या नया प्राप्त करने की जो हमारे अंदर डिज़ायर है, वो हमें क्या है, अदर की नेचर से अच्छा बनाती है, अदर की नेचर से हमें सुपीरियर करती है। एक बार हम फिर से रीड करते हैं, नोट फॉर सच होप्स एंड फियर, कि हमें आशाओं और डर के कारण जो हमारे कुछ साल वेस्ट जाते हैं, मतलब कि हम आशाओं और डर के कारण चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम अपने साल खत्म होने के डर से या अपना टाइम खत्म होने के डर से हम जो अपनी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो चाहते हैं, उनको दबा नहीं सकते। डू आई रिमोन्स्ट्रेट, क्या मैं उनको, मतलब कि जो ये क्या है, जो मेरे हमारी जो डिजायर्स हैं, यूथ की जो डिजायर्स हैं, उसको क्या मैं डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ, क्या मैं उनको तुच्छ मानता हूँ या गलत मानता हूँ, जो क्या करती हैं, फोली वाइड द मार्क, जो फोली मतलब कि मूर्खता का जो क्या है मार्क छोड़ देती है, क्या मैं उनको डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ। रेदर आई प्राइज, नहीं मैं क्या करता हूँ, प्राइज करता हूँ, मतलब कि मैं उनकी प्रेज करता हूँ, या हम कह सकते हैं उन्हें प्राइज मतलब इनाम देना चाहता हूँ। द डाउट्स, किनको, जो डाउट्स हैं, मतलब कि जो ह्यूमन बींग के अंदर डाउट्स हैं, जो डाउट्स का मतलब कह सकते हैं जो प्रश्न है, जो प्रश्न है, उनको मैं क्या करता हूँ, प्राइज करता हूँ, उनको मैं प्रेज करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। लो पॉइंट्स एग्जिट आउट, जिस तरीके के पर्सन जो लो पॉइंट्स के पास नहीं होते, वो लो पॉइंट्स मतलब हमने देखा तो अदर नेचर्स हैं, जैसे कि जानवर हो गए, पक्षी हो गए, जो कीट हैं, जो छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, उनके अंदर इस तरीके के डाउट्स नहीं पाए जाते। ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किन के पास रहती है, ह्यूमन बींग के पास रहती है। फिनिश एंड फाइनल, और वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब कि अपना जो टाइम है सारा का सारा वो क्या है, ख़त्म कर देते हैं एशो अराउंड में, कौन ख़त्म कर देते हैं, अन्य क्रिएचर्स। लेकिन जो मनुष्य है, उसका जो मतलब कि जन्म है, हम कह सकते हैं जो ह्यूमन बींग है, उनका जो मतलब कि उसे भगवान ने किस लिए क्रिएट किया है, सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती या सिर्फ मज़े करने के लिए नहीं बनाया, उसे किसके लिए बनाया है, उसे डिज़ायर्स अपनी फुलफ़िल करने के लिए, अपने फुल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, या अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए, या अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढने के लिए सुपीरियर बनाया है, उसको बोलने की, सुनने की, समझने की, सोचने की और अदर जो कुछ भी एबिलिटीज़ हैं वो भगवान ने उन्हें दी हैं। जबकि जो लो पॉइंट्स हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है। क्लोज अनकवर्ड बाय अस आर, मतलब जो जिज्ञासा की जो आग है, जो कुछ जानने की, करने की जो आग है, जो लालसा है, लालसा कहते हैं हिंदी में, जो कुछ करने की हमारे अंदर जो इच्छा है, वो क्या है, लो पॉइंट्स में नहीं पाई जाती। तो ये है हमारा थर्ड स्टैंजा, जिसमें हमें क्या है, जो ह्यूमन बींग को क्या बताया, सुपीरियर बताया है लो पॉइंट्स मतलब कि अदर क्रिएचर्स के वर्ड से। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट स्टैंजा को डिफाइन करेंगे, जिसमें बेन इज़रा हमें कुछ अलग बताएंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।